तो हे गाइस, तो शाओमी का जो अपडेट आया था तो आज उसी के बारे में, शाओमी का जो अभी 12 अपडेट आने वाला है 2020 में, तो उसी के बारे में आज का डिस्कस है। बहुत वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शाओमी का जो 12 अपडेट आने वाला है, मतलब पहले तो शाओमी का 11 जो आया है अपडेट आ गया था, बहुत डिवाइस में अपडेट आ गया था। उसका बाद में अभी 2020 में शाओमी ने जो लॉन्च किए करने जा रहा है, मतलब MIUI 12, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा या इंडिया में कब तक उसको लॉन्च कर दिया जाएगा या कौन सा डिवाइस में फास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को, शाओमी ने जो लॉन्च करने वाला है MIUI 12, तो उसमें क्या नया फीचर देखने को मिलेगा या पुराना जो MIUI 11 है तो उसी का जैसा सेम फीचर रहेगा, तो ये मेन मतलब मेन बात है। तो शाओमी का जो वेब अकाउंट है उसमें कुछ अपडेट दिया था, अभी तक ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं दिया है शाओमी का तरफ से। तो शाओमी का तरफ से जो अपडेट दिया था उसमें जो 12 आने वाला है उसमें चेंजेस तो रहेगा लेकिन उतना चेंजेस नहीं रहेगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, MIUI 11 जो है उसी का जैसा सेम फीचर लाएगा या दूसरा कुछ चेंजेस भी लाएगा MIUI जो 12 आने वाला है? तो उसमें आप लोगों को बताया जो 2019 सितंबर को जो MIUI 11 चाइना में लॉन्च किया था, उसका बाद में अक्टूबर महीना में आप लोगों को मार्केटिंग में लॉन्च करने को देखा था इंडिया में बहुत सारा डिवाइस में, लेकिन आज तक अभी भी बहुत सारा ऐसे शाओमी का स्मार्टफोन है जिसमें अभी MIUI 11 अपडेट ही नहीं आया। तो फिलहाल मैं उसी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं फिलहाल जो मतलब 12 आने वाला है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो 12 आ रहा है उसमें यही बताया है उसका जो कलर स्किन होगा, उसके बाद उसमें जो फॉन्ट होगा 12 जैसा फॉन्ट साइज होगा, बिल्कुल 11 से अलग होगा। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे फीचर भी चेंज होगा लेकिन उतना बताया नहीं है। उसके बाद जो मेन है इसका कब तक लॉन्च हो जाएगा, बहुत जल्द लॉन्च होगा, अभी तक कुछ बताया नहीं है। आशा करते हैं आगे जाके कुछ ऐसे अपडेट शाओमी की तरफ से अपडेट आ जाए जिससे सबको पता चले कब तक ये लॉन्च हो जाएगा MIUI जो 12 है तो कब तक आ जाएगा। तो उसका MIUI जो 12 उसका अपडेट आप लोग 11 का अपडेट देख चुके हो, आपका एंड्रॉइड सिस्टम में जाके जो अपडेट ऑप्शन है MIUI 11 उसका लुक कैसा है देख सकते हो, लेकिन जो 12 है उसका लुक आप लोग मेरे थंबनेल में देख चुके होंगे किस तरह का स्टाइल है, जस्ट 12 लिखा हुआ है बस उतना ही है। उसके बाद वो तो चाइना वर्जन है लेकिन इंडिया में कैसे लॉन्च करेगा वो तो शाओमी का पता है, अभी तक तो कुछ ऐसे अपडेट दे ही दिया है कब तक लॉन्च करेगा या क्या क्या फीचर चेंज करेगा, तो आगे जाके पता लग सकता है, आगे जाके कुछ ऐसा अपडेट भी आ सकता है। उतना अपडेट अभी तक नहीं दिया है शाओमी ने, तो यही अपडेट दिया है शाओमी की तरफ से जो उसका फ्रंट साइज चेंज होगा, क्योंकि जो 11 है और जो 12 है उसमें एक अंक का फर्क है इधर उधर है, तो उसमें ज़्यादा को फीचर देना चाहिए इतना पता है। उसका स्किन जो है वो कलर स्किन होगा, उसके बाद फ्रंट साइज चेंज होगा, उसके बाद अलग अलग फीचर भी चेंज हो सकता है, नया करके करेगा या कोई सेम रखेगा, तो बाद में जब अपडेट आएगा तो आप लोगों को अपडेट तुरंत मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल में सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि जब भी ऐसे शाओमी का और लेटेस्ट अपडेट आ जाए तो आप लोगों को तुरंत वीडियो मिल जाए। तो उसके बाद और एक जो शाओमी ने लॉन्च करने जा रहा है Note 10, तो Note 10 कब तक लॉन्च हो जाएगा, Note 10 अगला महीना में आप लोगों को मिल जाएगा जो आ रहा है 108 सैमसंग कैमरा लेंस के साथ में, मार्केट में फास्ट शाओमी का तरफ से जो सैमसंग कैमरा लेंस के साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा का साथ में लॉन्च हो रहा है, तो बहुत एक अच्छा है। लेकिन वो लोग उस जो डिवाइस है उसको इंडिया में कितना प्राइस रखा जाएगा बहुत लोगों का ये कहना है। तो हम जो अपडेट आया है शाओमी की तरफ से उसका रेट लगता है इंडिया में जो OnePlus 7T है उसी का बराबर, लेकिन उतना अपडेट आया नहीं है। जब अपडेट आ जाएगा व लॉन्च हो जाएगा तो आप लोगों को खुद ना खुद पता चल जाएगा या अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा कि इंडिया में जब लॉन्च हो जाएगा शाओमी जो Note 10 है तो उसका प्राइस कितना लगेगा। मैं तो बता दिया आप लोगों को, आप लोगों का अगर क्या कहना है कुछ शाओमी की तरफ से और कोई दूसरा जानकारी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए।